सभी सदस्यों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आर्यसा और आर्यवा इसके बीच में जो तर्क है, कौन सही है और कौन गलत है, और अभी आर्यवा ने जो आर्यसा के लीगलिटी के ऊपर रजिस्टर मेघालय को आरटीआई द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, और जिससे ये पता चला है और पहले से कंफर्म था हमें, क्योंकि यह जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है एक संस्था यानी कि पारामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स का जो है जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये होता है, जो भी कर रहे हैं लोग 1978 से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो इसका जो कहानी मैं बताऊँ, वैसे आर्यसा अपना काम कर रहा है, आर्यवा अपने काम कर रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी आर्यवा ऑल इंडिया की, जैसे आप सभी को पता है जिन्होंने हमें शुरू से ही भापा है, देखा है, जो इसमें सक्रिय होकर जो काम कर रहे हैं, तो उस वक्त डीजी थे जनरल एचएस सचदेव जी, उन्होंने जो है हमारे अगेंस्ट, जो कि हमने पहले बताया कई बार में, जो भी जो इलीगल जो एक्ट करता है वो सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा ही होता है, और लेफ्टिनेंट जनरल सर थे, उन्होंने हमें जो है दबाने की कोशिश की। मैं और हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक डीजीआर गए थे उनसे मिलने, उनको हमने ब्रीफ किया था आर्यवा ऑल इंडिया के बारे में, तो उन्होंने कहने लगा थे कि आप लोग जो है ड्यूअल कंट्रोल के बारे में कार्रवाई मत करो, क्योंकि आप जो है ये है वो है करके। हमें जब हम वहाँ से आए तो उन्होंने जो है लेटर वगैरह लिखा हर एक यूनिट में कि इनको हेल्प नहीं करना है, और उस वक्त के जो डायरेक्टर थे आर्यसा के उनको बताया कि रजिस्टर को कांटेक्ट करो, फ़ोन पे बात करो, जो भी रजिस्टर ऑफिस है पालाकाड में, कि इनका एसोसिएशन जो है रद्द होना चाहिए। तो यह जो है इलीगल एक्टिविटी था डीजीआर का, तो उनका हमने अप्रोप्रिएटली जवाब दिया और उनके अगेंस्ट में हमने कंप्लेन किए थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी वगैरह को, और बाद में जो है इवन रजिस्टर ने भी को भी उन्होंने राइटिंग में दिया था, मुझे राइटिंग में चिट्ठी लिखा था, धमकी दिया था उस वक्त डीजीआर ने, सचदेव जी ने, कि तुमको हम जेल भेजेंगे, ये है इसको बंद करो। अगर कोई मामूली जो आदमी होने से तो क्या पता ये आर्यवा जो है बंद हो जाना था, क्योंकि धमकी से कई लोग जो है उसके नीचे आ जाता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमारा जो एक अच्छा सा एक लीडरशिप था, जनरल कार्निक सर थे और मैं भी जो है कानून पढ़ा हुआ है, तो इसी वजह से हमने उनको करेक्ट जवाब दिया। देखिए उसके बाद जो है हमारा जो उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट जाता है, ओके, तो जो फोर्थ एजीएम जो हुआ था हमारा बोकाजान में, उसका जो रेजोल्यूशन पास पढ़ने से आपको पता चलेगा, मिनट्स ऑफ एजीएम रेजोल्यूशन जो है आइटम नंबर 2 में 9.3 में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था उस वक्त, रिजोल्व फर्दर दैट आर्यसा डायरेक्टेड फंक्शनिंग एट हेडक्वार्टर डीजीआर इज नॉट इन कंप्लायंस विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड कंपल्सरी डिडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सर्विंग सोल्जर्स इज ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ सिंस मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट ऑफिस बेयरर्स ऑफ आर्यसा डायरेक्टरेट आर कॉम्बेटेंट सर्विंग ऑफिसर्स पब्लिक स्टाफ इट मे बी सजेस्टेड टू डीजीआर थ्रू ए लेटर बाय द एसोसिएशन टू चेंज द नेम ऑफ आर्यसा डायरेक्टरेट टू डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ARESW फॉर वेलफेयर नीड ऑफ एयर एक्स सर्विसमैन पब्लिक विडोज बजट प्रोविजन टू द डिपार्टमेंट में बी मेड और ए परसेंटेज ऑफ रेजिमेंटल फंड पब्लिक CSD प्रॉफिट्स में बी ट्रांसफर्ड इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सर्विंग एयर सोल्जर्स इफ नॉट कंप्लाइड विद ए लीगल नोटिस में बी इशूड फॉलोड बाई ए रिट पिटिशन टू बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। यह जो हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसके अलावा जो है जब मैं डीजीआर जो प्रेजेंट डीजीआर जनरल नायर सर से जो बात हुआ था 11 दिसंबर 2021 को, वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा, उसमें जो है सात ये जो 6 पेज का एक मिनट्स हमने उनको दिया था डीजीआर को, जिसमें 7 नंबर जो पॉइंट में देखिए, जनरल सेक्रेटरी आल्सो एडवाइज्ड डीजीआर दैट असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन आर्यसा डायरेक्टरेट एट हेडक्वार्टर डीजीआर मे बी रीनेम्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ एयर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो हमने फोर्थ एजीएम में रेजोल्यूशन जो पास किया अभी जो मैं आपको बताया है उसी के बेस में मैंने उनको एडवाइस दिया था। दिस इज बिकॉज आर्यसा डायरेक्टरेट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कैनॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज सच लीगलिटी ऑफ आर्यसा मे बी क्वेश्चन।
RSI units functioning in states need to be compulsorily registered under the Society Registration Act and follow the mandatory requirement as specified in the Act. There is also urgent requirement of rationalization of RSI units. Presently, 80% of the RSI units are confined to the Northeast region, with many of the states are underrepresented. Based on the total strength of ERX servicemen in various states, at least one RSI units may be established there by winding up the units in overrepresented states. केवल उन्होंने ये जो पॉइंट था जो 80% नॉर्थ ईस्ट में हैं उनमें से किसी को बंद करके उन्होंने जैसे कोड़ीकोड में खोला है और कई जगह खोल रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ तक आरएसआ जो एसोसिएशन है जो असम राइफल जो चलाता है 1978 से वो अनलॉफुल है, तो उनको हमने ये बताया था लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बताया कि वो रजिस्टर्ड है, तो उससे पहले जब सचदेव जी ने जो हमारे अगेंस्ट में बात किया था तो हमने दो RTI ऑलरेडी दे चुका था रजिस्टर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है मेघालय को, उन्होंने दोनों के रिप्लाई में हमें बताया कि यह जो है रजिस्टर्ड नहीं है करके, मतलब ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अभी जब हमने जैसा बताया आप सभी को कि जो कोर्ट में सर रिजॉइंडर में उन्होंने हमारे एसोसिएशन को क्वेश्चन किया था और बताया कि RSI जो है रजिस्टर्ड है, उसी बेस में जो है मैंने एक RTI किया था। RTI करने के बाद मुझे जवाब मिला है और जवाब जो है रजिस्टर मेघालय द्वारा 15 का आया है, उसका बायलॉ वगैरह और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन्होंने दिया है जिसके तहत जो है गवर्निंग बॉडी जो है सर्विंग ऑफिसर्स वगैरह है, तो उसको हम दिखा के एक RTI एक कंप्लेन हमने अभी भेजा है डी रजिस्ट्रेशन के लिए, RSI को डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि जो दिया है आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन वो गलत है करके। ये है बिल्कुल सही डिसीजन है ये आपका जो गवर्निंग जो बॉडी है हमारा RAWA ऑल इंडिया का टॉप लीडरशिप उनका सही डिसीजन है, क्योंकि जब ऐसा है देखिए जो गलत है उसको सही कह रहे हैं लोग और जो सही है यानी RAWA ऑल इंडिया उसको गलत कर रहे हैं कह रहे हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इसका, हम लोग सही है। देखिए हमने जो है 8 एनुअल जनरल मीटिंग किया हुआ है और पूरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है हम उसको रिपोर्ट देते हैं जो रजिस्टर है हमारे पालक्काड डिस्ट्रिक्ट का। जहाँ तक RSI का संबंध है इसको हमने बैन करने के लिए नहीं बोला है, डिसबैन करने के लिए नहीं बोला है, हमने केवल डी रजिस्ट्रेशन के लिए केस टेकअप किया है और अभी भी इस वक्त है DGR जो है इसको जैसे हमने सजेस्ट किया है RAWA ऑल इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन करके उसको एक बजट दे सकते हैं आप, कई सारे प्रॉफिट है मिलते हैं इनको डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए जवानों से पैसा लेना जो है असम राइफल एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ है, हमने सही बात उनको बताया है। तो ये और इन्होंने जो भी RSI यूनिट जो अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं उनको कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर करवा के जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से मैंने नहीं समझता हूँ कि कोई भी एक जो RSI रजिस्ट्रेशन है इंडिया के हर जगह कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, कई उन्होंने जो भी उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये 100% सही है। RAWA ऑल इंडिया देखिए जहाँ तक NOC का संबंध है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन के लिए हमने भेजा था इनको चिट्ठी, तो उन्होंने क्या बोल के इनकार कर दिया कि जो है RSI है पहले से, RSI के बारे में आपको पता ही है उसको जो है सरकारी ऑफिसर कमांड करता है, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान ने जो हमें दिया हुआ है उसको भी हमें जो है प्रयोग करने नहीं देते हैं लोग। केरल में एक केस था जब वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिलकर केरला हाईकोर्ट में केस फाइल किया था एक्स सर्विसमैन बेनिफिट मिलना चाहिए करके, लेकिन उनको क्या कर दिया उन्होंने ऑनरेरियम ही बंद कर दिया और उल्टा बुलाया उधर DGR में कैसे जो है बिना हमें बताए आप कोर्ट में चला गया। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है फंडामेंटल राइट है कोई भी कोर्ट में जा सकता है इवन सर्विंग पर्सन भी, ये गलत इस्तेमाल करता है RSI। कोई बोलते हैं कि ये जो है SOP है SOP का कोई SOP लागू नहीं होता एक्स सर्विसमैन के लिए, तो इसी वजह से एक RAWA एक इंडिपेंडेंट जो हमारे संविधान के तहत हमने बनाए हैं उनका सहयोग करना चाहिए, गलत तरीके से दबाव डालना गलत है, वो हमेशा गलत होगा क्योंकि कोर्ट वगैरह है भारत में। तो मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ DGR को कि आप इस जैसे हमने बताया है वही है, कोई भी लीगल एडवाइस देना अभी आपको वो भी देंगे जो रजिस्टर वहाँ के हैं उसको हम फॉलोअप करेंगे क्या एक्शन लिया है। तो एक वेलफेयर है चलो पैसा मिलता है लेकिन पैसा आपके पास है काफ़ी उससे इस्तेमाल कीजिए ना कि जवानों से लेके, वो गलत है, जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। इतना ही कहना है लोगों को जो है अभी
पूरा वीडियो सुना होगा आप लोगों ने, आरेवा क्या है, आरेसा क्या है। आरेवा क्या है, वेलफेयर ओरिएंटेड है, जो हमारा मेन मुद्दा है ड्यूअल कंट्रोल, उसको हटाने की बात हो रहा है, कोर्ट में केस है, सब जुडाइस है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए उसी में ही वेलफेयर है सब कुछ, केवल जवानों से पैसा लेके छोटा मोटा जो पैसा, वो भी ठीक तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, ना ही उनका ऑडिट हमें पता चलता है कितना कलेक्ट हुआ है। करोड़ों रुपया कलेक्ट होता है साल में एक बार, जनवरी में उठाते हैं, इस यह जो है वो गलत तरीका है। आरेवा का है जो आपने अब पता है, जो बेनिफिट जो मिल रहे हैं आपको, जैसे CSD को छोड़ दीजिए, ECHS बिना एक्सरिसमेंट हुए हम ECHS ले रहे हैं, वो हम कोर्ट में जाके लिया हुआ चीज़ है वो। यह सब फंक्शन कर रहे हैं आरेवा ऑल इंडिया, जो कि कंप्लीट वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो इसको आपने लीगल जो है पोजीशन है भारत में बिल्कुल सही है, आपको जवाब भी मिल गया था पहले जो रजिस्टर पालाकाड से कि यह बिल्कुल सही एसोसिएशन है, उन्होंने दिया था लेटर सचदेव के टाइम में। तो यह जो है, ये नहीं कि कोई ऑफिसर है मनमानी कर सकता है, बिल्कुल गलत है। जुडिशरी जिंदा है भारत में, और जो सही है वो हमेशा सही होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी को पता चल गया होगा आरेवा क्या कर रहा है और आरेसा क्या कर रहा है, और आरेसा के जगह में क्या काम होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरिसमेंट वेलफेयर, कोई भी जो CAPF ले लो या आर्मी के इतने सारे रेजिमेंट है, वो कभी भी अपने सरकारी लोगों से पैसा लेके एक्सरिसमेंट का वेलफेयर देखता नहीं है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको सही करना चाहिए DGR। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।